बीरबल को मेरी लाठी के सामने लाकर खड़ा कर, उसके बाद वो अपने पैरों पर भी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अरे मेरे महान परिवार वालों, इसमें बीरबल का कोई दोष नहीं है, वो तो बुद्धिशाली है। उसने मेरे साथ मिलकर राज्य को संकट से बचाया है। इस बार भी मेरे विरुद्ध प्रपंच गुरुवर ने ही रचा है। काफी दिनों से लट सेवा नहीं हुई उसकी, लगता है लाठी का स्वाद भूल गया है। माँ माँ, ये लाठी तुम्हें चलने में सहारा देने के लिए है। इसकी मार के सहारे तुम अपने पुत्र को अष्ट दिग्गज नहीं बना सकती। पर लाठी उठाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी अम्मा, आप वैसे भी अष्ट दिग्गज अपने ही बलबूते पर बन रहे थे ना, बीच में ये बीरबल कहाँ से कूद पड़ा। कभी कभी समंदर में रहते हुए भी प्यासा रहना पड़ जाता है। अब बस देखना ये है कि महाराज क्या निर्णय लेते हैं। गुरुवर, कल आपके एक प्रश्न ने हमें असमंजस में डाल दिया। दरबार से जाने के पश्चात भी हम विचार करते रहे, दुविधा में थे कि क्या किया जाए। महाराज, हमने तो मात्र हमें क्या था गुरुवर, आपने मात्र एक प्रश्न पूछा था, परंतु वो प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं था, वो एक राजा को अपने कर्तव्यों से पुनः परिचित कराने वाला प्रश्न था। हम समझ गए कि यहां इस सिंहासन पर बैठकर हम जो भी निर्णय लेते हैं उनमें हमारी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण, आप जानते हैं हम आपको अपना मित्र समझते हैं, आपका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और अष्ट दिग्गज के लिए हमने आपका चयन कर ही लिया था, परंतु इसे विधि का विधान कह सकते हैं कि बीरबल महोदय भी यहां पर उपस्थित हैं, और दरबारियों के अनुसार उन्हें लगता है कि बीरबल भी अष्ट दिग्गज के पद के बराबर के दावेदार है। क्योंकि विजयनगर राज्य पर जो विपदा आई थी, जो टल गई है, वो केवल आपकी बुद्धिमता नहीं अपितु बीरबल की सूझबूझ के कारण भी टली है जी। अब अष्ट दिग्गज की पदवी के लिए हमारे पास दो दावेदार हैं, और चयन किसी एक का करना होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। महाराज, महाराज आपका निर्णय सर्वमान्य है, परंतु यह निर्णय कैसे होगा कि इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है? द्वंद से महामंत्री जी, परंतु तलवार या भाले से नहीं, तीर या कमान से नहीं, क्योंकि ये दोनों बुद्धिवीर हैं, द्वंद भी बुद्धि का ही होगा, चातुर्य का होगा। अष्ट दिग्गज की पदवी के लिए ये दोनों प्रतिस्पर्धी रहेंगे। हमारे सप्त दिग्गजों ने कुछ चुनौतियां तैयार की आप दोनों के लिए, और जो भी ये चुनौती जीतेगा वो अष्ट दिग्गज बनेगा। उचित है महाराज, उचित है। ये हमारा निर्णय है, आशा करते हैं कि किसी को इस निर्णय से आपत्ति नहीं। महाराज, मैं पूरी विनम्रता से आपका निर्णय स्वीकार करता हूं, और पुनः अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। महाराज, मुझे भी यह चुनौती स्वीकार है। मुझ जैसे नए और अनजान को पंडित रामकृष्ण जी के समान अवसर देकर आपने सिद्ध कर दिया कि विजयनगर का दरबार कितना लोकतांत्रिक है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत बीरबल महोदय, परसों ये द्वंद आरंभ होगा। आप दोनों को हम शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही अष्ट दिग्गज बनेगा, और ये हमारा विश्वास है कि इन दोनों में से विजय कोई भी हो, विजेता विजयनगर राज्य की गरिमा होगी, उसकी प्रतिष्ठा होगी जी। हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि इस प्रतियोगिता के, इस द्वंद के निष्पक्ष निर्णायक हम होंगे। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की।
धनी मनी, हमारे सब्र का फल इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था कि उसे कोई और खा गया। क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा, क्या लगा आपको अष्ट दिग्गज बनना इतना आसान है? कैसे होगा किसी कार्य का आसान होना, जबकि मनुष्य से भी संभव नहीं इंसान होना। देखिए पंडित रामाकृष्णा, हमें आपकी चिंता हो रही थी, इसीलिए हमारा मन विचलित था। क्यों करते हैं आप इतनी चिंता मेरी गुरुवर? मेरी चिंता में आपने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं करवाया, किंतु देखिए हर बार आपकी चिंताओं की चिताएं ही जली हैं और आपके हाथ केवल राख ही आई है। क्यों है ना गुरुवर? पंडित रामाकृष्णा, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रयास ही व्यर्थ कर रहे हो गुरुवर। चलिए आपने स्वयं ने ना सही किंतु किसी दूसरे के कंधे पर रखकर तीर चलाना तो सीख ही लिया, किंतु याद रहे आप मुझे छल से संकटों की खाई में तो धकेल सकते हो किंतु मुझसे मेरे लड़ने की शक्ति नहीं छीन सकते। फेंक दो मुझे भूखे भेड़ियों के बीच, मैं वहां से भी उन्हें अपने साथ वापस लेकर आऊंगा। खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है राजगुरु तथाचार्य। क्योंकि अभी मेरा जीतना बाकी है। ये बड़ी अकड़ के साथ गया है, उसकी सारी अकड़ जकड़ जाएगी, निकल जाएगी। हाँ गुरुजी, इसकी सारी अकड़ जकड़ भी जाएगी और निकल भी जाएगी, परंतु कैसे गुरुजी, हमें भी बताइए। जैसे ही ये अपने घर पहुंचेगा वैसे ही पंडित रामाकृष्णा। तो मोटा कर दूसरों के घरों में घुस जाते हैं और आप हैं आते ही अपने घर में वो लटका कर बैठ गए और आज भी इतनी देर से आए हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, हमारे भाई ने घर को कितना चमका दिया कि एक हफ्ते तक हमें सफाई नहीं करनी पड़ेगी। गोविंद वापस आ गया? गोविंद नहीं तो अब हम अपने मुंह से क्या बोले, कुछ भाई मुंह बोले भी होते हैं। देखिए उसने अम्मा के आते ही गोल गोल लड्डू भी बना दिए। शारदा महोदया, पूरे संसार में लड्डू गोल गोल ही होते हैं, किंतु तुम किसके विषय में गोल गोल बातें कर रही हो ये मेरी समझ में नहीं आया। मेरा ये पुत्र किसी में कमियां नहीं निकालता बल्कि सेवा कर एक अच्छे पुत्र की कमी पूरी कर देता है। ओ अम्मेश्वरी, कौन सा पुत्र? देख लो अम्मा, मिले नए मित्र ने मिले नई घंटी बिलाई। अरे कौन है ये? तुम्हारा भाई, तुम्हारा पुत्र, तेरा मित्र जिसे मैं नहीं जानता। पंडित रामाकृष्ण जी। हाँ। आप ही के घर में आपका स्वागत कैसे करूं? है ना, ये लो सब्जी। पहना? इसने आपका कार्य भी खत्म कर दिया। तुम यहाँ? हाँ, दरबार में आपकी वाणी में बहुत अपनापन लगा तो सोचा कि आपके अपनों से मिल लूं, और जब आपके घर आया तो पता ही नहीं चला कि ये मेरे अपने कब हो गए। देखो तुम अपना अपनापन अपने पास ही रखो। हाँ, ये मेरा घर है और क्या सोचकर तुम यहाँ चले आए, वो भी मुझसे बिना पूछे। अब किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं इतना? अम्मा, हमें लग रहा है इन्हें तीव्र भूख लगी है। बीरबल ने अपने हाथों से कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, बस अब तो अपनी उंगलियां मत खा जाना।
का स्वाद बुरा नहीं है। कहां से सीखा? बस जैसे जैसे भूख लगती गई वैसे वैसे सीखता गया। और मेरी माता जी कहती थी कि भोजन बनाना और खाना दोनों प्रेम से चाहिए। ठीक है ठीक है। बीरबल महाशय, यदि आपने सारे काम करने का आनंद ले लिया हो, सेवा करने की चरम सीमा छू ली हो, तो अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। सेवा की सीमा नहीं होती, भाव होता है। और आप कह रहे कि मैं ऐसे चला जाऊं? हाँ नहीं, कदापि नहीं। और इस बार अम्मा और हम दोनों कह रहे हैं, जिसने दिन भर हमारी इतनी सेवा की हो उसे हम घर से इतनी शीघ्रता से कैसे निकाल सकते हैं? वो शारदा महोदया, आमेश्वरी क्या हो गया तुम लोगों को? अरे इसके कारण मैं अष्टदिग्गज के पद पर स्थान पाते पाते रह गया और तुम इसी को घर में स्थान देने की बात कर रही हो? मुझे स्थान नहीं चाहिए, मुझे कोना चाहिए। मैं किसी भी कोने में पड़ा रहूंगा। तू अष्टदिग्गज का पद इसके कारण नहीं, अपने कारण हारा है। इतना बड़ा पद पाना चाहता है और छोटा सा पद नहीं पढ़ पाया तू। मैं तो कब से कह रही थी कि पत्र पर लाल स्याही पर ध्यान दे। देखो तो दल बदलू को, कब कहा था बताओ मुझे, कब कहा था? मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो बोलती ही नहीं। अब वो सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। बीरबल यही रहेगा, सत्य का अम्मा कि यही रहेगा। इस घर में मेरी कोई नहीं सुनेगा। थोड़ी सी भी इज्जत है कि नहीं मेरी इस घर में? थोड़ा सा सम्मान मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। क्या अर्थ है तुम्हारा? कैसे मिलेगा पंडित रामकृष्ण जी, आप चीज ही गलत ढूंढ रहे हैं। घर में तो मात्र मिलता है बेहद प्रेम और सम्मान कमाने के लिए तो आपके पास सारा संसार है। घर में तो मिलता है माता का प्रेम, बहना का प्रेम, यही तो मिलता है घर में। रामा, इसने तो घर के अंदर आते ही सबको अपने वश के अंदर कर लिया है। हाँ बंधु, मेरे घर वालों का इसको सहयोग, कहीं मेरे घर से बाहर जाने का योग ना ले आए। तू बाहर नहीं जाएगा यदि तू इसकी मेहनत से कुछ सीख लेगा। बंधु तू भी, अरे तू तो दल बदलू मत बन। अब देखना, अब से मैं अपने प्रतिद्वंदी से दो कदम आगे ही रहूंगा। पर कैसे, ये सोचा है? अब मैं स्वयं को द्वंद के लिए तैयार करूंगा और आरंभ कल सुबह से ही। कल सुबह जल्दी उठकर व्यायाम और प्राणायाम। नहीं माने, तुमने कभी सुना है कि कोई योद्धा रणभूमि में हार गया हो और अपने घर से भी बाहर निकाल दिया गया हो? नहीं सुना है गुरु जी। अब पंडित रामकृष्णा के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अब बीरबल जो वहाँ है। किंतु गुरुजी, बीरबल जी तो कह रहे थे कि वो पंडित रामकृष्णा से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब उनसे सीखना चाहते हैं। किंतु इन सब में आपका क्या लाभ? अरे मूर्खो गधो, जब तक बीरबल पंडित रामकृष्णा को समझेगा नहीं तो उससे विजयी कैसे होगा? हमने ही बीरबल को अपनी बातों के जाल में फंसाकर पंडित रामकृष्णा के घर जाने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वो पंडित रामकृष्णा की सोच को समझे और हर कदम पर पंडित रामकृष्णा से आगे हो। हमने पंडित रामकृष्णा के अंत के आरंभ का पहला ढोल बजा दिया है, बीरबल को उसके घर भेजकर। अब बीरबल पंडित रामकृष्णा के आलस से कोई हथियार बनाकर उसे उसके घर वालों से दूर कर देगा और दरबार में बीरबल उसे अपने आसपास तक भटकने नहीं देगा। वाह गुरुजी, हमने पंडित रामकृष्णा को ऐसे जाल में फंसा दिया है कि अब वो खाक द्वंद करेगा, वो अपनी ही मुसीबतों में उलझ कर रह जाएगा। हाँ
और यही थी हमारी योजना। परिलोक में परियों के पास भी नहीं होगा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब सुबह जाग गया, घर की सारी सफाई कर दी और सब्जियां भी काट दी। हमारा दिन तो शुरू होने से पहले ही आधा काम समाप्त हो गया। और आप अब उठे हैं? पंडित रामाकृष्ण जी, आप उठ गए? सुप्रभात। एक पंडित सुबह ही तैयार हो जाता, आप भी होंगे। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ, एक दर्पण ला कर दो जिसमें मनुष्य की सूरत नहीं नियत दिखाई दे। क्यों कर रहे हो ये सब? पंडित रामा जी, मैं आपका प्रतिद्वंदी केवल दरबार में हूँ, अतिरिक्त पूरे हृदय से मैं आपका प्रशंसक हूं। इसलिए जब अवसर मिले तब आपकी सेवा करना चाहता हूं। भरोसा कीजिए मेरा। बीरबल, हम अक्सर जिन पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं ना, वही हमारी आंखें खोल जाते हैं। निसंदेह आपकी बात उचित है, परंतु किसी को भरोसे लायक बनाने के लिए सबसे पहले उस पर भरोसा ही करना पड़ता है ना? हाँ, करना तो पड़ता है। वाक चातुर्य में प्रवीणता है तुम्हारी, बुद्धि का वरदान भी है, किंतु क्या तुम इस बुद्धि के योग्य हो? क्या आप हैं? मेरा अर्थ है कि जिस वरदान की आप बात कर रहे हैं वो तो आपको प्राप्त है, सब जानते हैं। वैसे वरदान तो वरदान होता है, कोई उसके योग्य है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। इस बात का आभास तुम्हें आज नहीं है, किंतु एक दिन अवश्य होगा। हमें जो भी वरदान प्राप्त होता है ना बीरबल, हमें उसके योग्य बनना पड़ता है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। आशा करता हूँ मेरी बात का मतलब तुम समझ रहे हो। बात का मतलब तो हर कोई समझता है, बस मतलब की बात कोई नहीं समझता। यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी का स्वागत है। कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिसमें इतिहास रचा जाता है और वो दिवस हम सभी याद रखते हैं, परंतु कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं इतिहास भी याद रखता है। और आज का दिवस कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज जो होने जा रहा है वो ना भूतो ना भविष्यति है। पंडित रामकृष्ण अस्त दिग्गज की नियुक्ति के कगार पर थे, परंतु अचानक कुछ घटना ऐसे घटित होती है कि हमारे समक्ष एक और दावेदार आते हैं, बीरबल महोदय, इसी पदवी के दावेदार, अष्ट दिग्गज के दावेदार। आज ये दोनों यहां पर उपस्थित हैं और इन दोनों के मध्य द्वंद्व होगा, बुद्धि का द्वंद्व। दांव पर होगी विजयनगर राज्य की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, और साक्षी होगा हमारा न्याय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.